क्वेश्चन नंबर टू है अपने सामने इसमें क्या दिया है टू ट्रेन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ फोर्टी टू किलोमीटर पर आवर्स एंड एट्टी फोर किलोमीटर पर आवर्स देर लेंथ आर थ्री ट्वेंटी मीटर्स एंड थ्री एट्टी मीटर्स रिस्पेक्टिवली वाट इज द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन दो रेलगाड़ियाँ बयालीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा चौरासी किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं जिनकी लंबाई क्रमशः तीन सौ बीस मीटर और तीन सौ अस्सी मीटर है तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पूरा करने में कितना समय लेगी देखिए आसान सा प्रश्न दो ट्रेन चल रही हैं सेम डायरेक्शन में एक कितने की स्पीड से चल रही है फोर्टी टू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरी चल रही एट्टी फोर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है दोनों की डिस्टेंस की बात करें तो जो फोर्टी टू किलोमीटर पर आवर की चल रही है उसकी थ्री ट्वेंटी है और जो थ्री जो एट्टी फोर किलोमीटर पर आवर की चल रही है उसकी थ्री एट्टी मीटर है ठीक है अब ये बोल रहा है कि जो फास्ट वाली ट्रेन है मतलब ये ट्रेन है इस ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी तो देखिए ट्रेन को क्रॉस करने के लिए स्पीड कौन सी लगेगी स्पीड इन दोनों की रिलेटिव स्पीड और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है सबट्रैक्ट हो जाती है तो बयालीस में से चौरासी में से एट्टी फोर जाएंगे बचेगा कितना बयालीस ये क्या आ गई इनकी रिलेटिव स्पीड ठीक है डिस्टेंस की बात करें दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा डिस्टेंस जुड़ जाएगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा थ्री ट्वेंटी और थ्री एट्टी मिला के कितना जाएगा? 400 300, हो जाएगा फोर हंड्रेड और थ्री हंड्रेड सेवन हंड्रेड डिस्टेंस हो गए सेवन हंड्रेड स्पीड हो गई फोर्टी टू किलोमीटर पर आवर टाइम निकालना है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड ठीक है ये कट जाएगा कितने थे सात बयालीस फोर सिक्स या सेवन ठीक है फोर सिक्स जब फो सेवन सिक्स जब फोर्टी टू और उसके बाद ये कितना बचेगा हंड्रेड बाय सिक्स हंड्रेड बाय सिक्स को कैसे काटेंगे इसको काट लेंगे फिर बचेगा कितना फिफ्टी बाय थ्री फिफ्टी बाय थ्री ये टाइम किस में आएगा देखो ये डिस्टेंस है किस में मीटर में और स्पीड है किलोमीटर पर आवर में और टाइम अपन को बताना किस में सेकेंड में बताना है ठीक है तो किलोमीटर पर आवर को क्या करना पड़ेगा अपन को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट मीटर पर सेकंड में किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा थाउजेंड से मल्टीप्लाई और आवर को सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा दो बार सिक्सटी से मल्टीप्लाई ठीक है तो ये दो बार का सिक्सटी एक दो जीरो से दो जीरो तो यहीं पर काट ही लो ये थ्री से इसको काट लो टू टाइम्स ठीक है ये बचेगा कितना टू सिक्स या ट्वेल्व ऊपर आ जाएगा टू सिक्स या ट्वेल्व ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या बचेगा नीचे सिर्फ ये टेन बचेगा ठीक है तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी क्या जाएगा ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी कितना टाइम लगेगा उसको सिक्सटी सेकेंड का समय लगेगा ठीक है